हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। तो आज हमारे घर में है मेहंदी फंक्शन, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे होती है हम लोगों के, मतलब गांव में कैसे होती है मेहंदी। सॉरी, तो आज है मेहंदी की रात और देवर जी आने वाले हैं, फिर मैं आपको मिलाती हूँ देवर जी से। तो आज लग रही है मेहंदी और देखो मेरे नाथ को भोग लग रही है। सबसे पहले खाना शुरू हो गया है। तो आ चुके हैं हमारे दूल्हे राजा और अभी लगने लगेगी मेहंदी। बच्चे पार्टी के साथ, बच्चा पार्टी के साथ बैठे हैं। विचार में नहीं दौड़े गए कैसे अभी कल शादी करते हैं ये। सबको देख रहे हैं झस से उनको। तो मेहंदी लगने जा रही है। यहाँ पर हमारे सिद्ध मेहंदी खाने लग गया। बच्चे मजे ले रहे सबका। तो मेहंदी लगाई थी मेरी ननद ने, ये लगता ने लगाई थी मेहंदी। और अब सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि एक एक करके सबकी फोटोज ली जाती है। तो मेहंदी तो पहले लगा दी गई थी, अब सब मेरी ननद ने लगाई थी मेहंदी। और एक एक करके सब ऐसे फोटो लेते हैं। और ये मेरे हाथ में लगा रही है भांजी यहाँ पे मेहंदी। कितनी प्यारी लगा दी इन्होंने, देखो। मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मैंने खाया सबसे लेट में खाया, तो फिर दूसरे हाथ में नहीं लगाई। मैंने कहा फिर खाना कैसे खाऊंगी। यहाँ पर आ चुके हैं दोनों बुआएं अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ। और वो है हमारी ललिता जी और ये है भाभी। यहाँ पर है देवर जी और मुन्ना भाई साहब, ये हमारे भतीजे होते हैं ऐसे। मैं और सासू माँ, एक एक करके मतलब जितने भी सदस्य हैं घर के सब आएंगे पास पड़ोस सब टोटली। मेहंदी फंक्शन में हमारे गाँव पर ऐसा किया जाता है। अब आ चुकी हैं दोनों चाचियाँ। देखिए ये हैं हमारे चाचू, ये रहते हैं दिल्ली में और ये इनकी बेटी रोहन। और मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ कि ऐसे लगाई है मुझे मेहंदी करके। ये देखिए सब लोग में मज़े ले रहे हैं सभी का। ये है ललिता और पूजा, ये फिर से दोनों चाची आ गई। ये हमारी दोनों नंदा है। लगी है सुमन के हाथ में मेहंदी लगाने में। किसी से चाची ये अपनी मेहंदी दिखा रही है, सास भी दिखा रही है। वहाँ पर चाची लोग भी हैं। ये देखो इतने सारे लोग आते हैं हमारे पास पड़ोस के सारे मेहंदी की रात को। मेहंदी की रात में यहाँ खाना पीना सब कुछ होता है। ये हमारे चाचू हैं, इन्होंने भी बहुत सारी मस्ती के साथ भतीजे की शादी। ये देखिए ये किसे हमारी होती।
I'm gonna go to the hospital.